सरकार के बारे में तो जो प्रदेश के अंदर खट्टर के साहब की सरकार है, इसमें तो ये है कि आवाज उठाओ और लाठी खाओ, आवाज उठाओ लाठी खाओ या जेल में जाओ, ये हालात प्रदेश के बन चुके हैं, जो कि बहुत माड़े हालात हैं। कोई भी आवाज उठाता है उस पर डंडे बरसाते हैं, इसके डर के मारे लोग अपनी आवाज भी, आधे लोग आवाज भी नहीं उठाते। देखो जिस प्रकार से ये कर रहे हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि जब कोई सरकार हटनी होती है ना, वो इसी प्रकार के काम करती है। अब इनकी जो रेलगाड़ी है वो पटरी से नीचे उतर गई, अब दोबारा ऊपर नहीं चढ़ेगी, ऊपर नहीं चढ़ेगी। और जनता से भी मेरी ये अपील रहेगी कि इन लोगों को जो है, जो भी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, उनको गांव में ना बढ़ने दो। अगर गांव में आते हैं तो सवाल पूछो कि भ्रष्टाचारी आप लोग हैं कि सरपंच हैं, उनसे पूछो और उनको वोट मत दो। ऐसे लोगों को बदलो, जब ऐसे लोग बदले जाएंगे दूसरी सरकार आएगी, काम करेगी। और सरकारें बदलती रहनी चाहिए, अगर बदलती रहें तो जो MLA और MP बन के जाते हैं उनके भी कान खड़े होते हैं कि मैं अगर काम नहीं करूंगा तो लोग मेरे को बदल देंगे। मौजूदा मौजूदा स्थिति तो हालात खराब है, अगली बार BJP का तो कोई चांस हरियाणा प्रदेश में है नहीं, अगली सरकार तो कांग्रेस की सरकार आएगी हरियाणा के अंदर। ये सरकार ने, जो मौजूदा BJP सरकार है, इन्होंने तो कसम खा ली है भी कोई भी चार आदमी बटड़े भर के जब आएंगे, इकट्ठे होकर के आएंगे, अपनी कोई मांग मांगेंगे, मांग तो उनकी मंजूर करना दूर की बात है, लेकिन उनको वहाँ से मार पिटाई करके छेद के पीट के भगाने का काम ये शुरू से कर रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले OPS की मांग को लेकर के हरियाणा के बहुत भारी संख्या के अंदर कर्मचारी पंचकूला के अंदर इकट्ठे हुए थे, उनके साथ भी यही बर्बरता हुआ था, बर्बरतापूर्ण रूप से उनको मार पिटाई की गई थी। इसी प्रकार से सरपंचों को लग रहा है कि भी हमारे साथ एक प्रकार से धोखा हो रहा है, हमें चोर उचक्का कहा जाता है, हमारी पावरें खत्म कर दी हैं, और उसको लेकर वो पंचकूला के अंदर इकट्ठे हुए कि हम, उन्होंने प्रोग्राम तो रखा कि मुख्यमंत्री को जाकर के अपनी बात को कहेंगे, प्रदर्शन कर गए मुख्यमंत्री के घर के आगे, तो हर एक कोई भी आदमी कर सकता है। तो उस चीज़ को लेकर के, जबकि वो जब मार पिटाई हुई, लाठीचार्ज हुआ, उस टाइम तो वो आराम से बैठे थे, और एक षड्यंत्र के तहत अगला रास्ता भी रोक दिया गया और पीछे भी बैरिकेड्स लगा दिए गए, वो बीच में फंस गए। और जब बीच में फंस गए तो जितना भी पुलिस से कार्रवाई हो सकती थी, लाठीचार्ज हो सकता था, मार पिटाई हो सकती थी, सरपंचों को भगा भगा करके मारा। इसकी निंदा, इसकी तो मैं घोर निंदा करता हूँ, इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ, और मुझे भी ये देख करके इतना दुख हुआ कि जो बुजुर्ग सरपंच है, महिलाएं हैं, उनके ऊपर भी लाठीचार्ज किया जा रहा है। अगर कोई सरपंच बुजुर्ग है, वो गिर गया है, गिरे हुए के ऊपर भी लाठियां बरसाई गई, बहुत से सरपंच घायल हैं, हॉस्पिटलों में दाखिल हैं, तो ये इस प्रकार का काम इन लोगों को शोभा नहीं देता। देखो जो ई टेंडरिंग है ना, इससे खतरनाक कोई चीज़ नहीं है मेरे हिसाब से, मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। मैं सरकार से लड़ गुल करके किसान खेत सड़क योजना के तहत कुछ पैसे लेकर के आया, जो कि सरपंचों के खाते में चले गए पैसे, क्योंकि सरपंच थे नहीं। वो 24 फरवरी 2021 लेकर के दिसंबर 2022 तक सरपंच नहीं थे, लगभग 1 महीने, 1 साल और 10 महीने सरपंच रहे, तो सारा काम किसने किया? BDO सरपंच था, वही सब कुछ था, प्रशासनिक अधिकारी था पंचायतों का, और उसने एक सरकार ने एक वो बना दिया कि 25,000 से ऊपर अभी 4 मेंबरी कमेटी पैसे को पास करेगी। पता नहीं किस तरीके से ई टेंडरिंग के माध्यम से, जो हमारे द्वारा भेजा हुआ पैसा था पंचायतों के अंदर, वो सारा पैसा एक्शन पंचायती राज के खाते में आया। और वहाँ से अगर मैं आपको दिखाऊं तो उस ई टेंडरिंग के माध्यम से क्या होता है,
कि मान लो 1 लाख रुपए का काम है, ये अधिकार मिल मिला करके ठेकेदार के साथ उसने 80,000 का कर दिया कि मैं 1 लाख का काम 80,000 में करूंगा, और फिर इनके कमीशन हैं। तो ये बताओ, जो पहले ही 20% लेस पे काम लेता है, वो उस काम के अंदर कितना अच्छी सामग्री लगाएगा, ये आप खुद देख लीजिए। घटिया सामग्री लगा करके उसको काम के करते हैं। जो सरपंच है मौजूदा, जो सरपंच बन के आए हैं, मैं तकरीबन देखता हूँ कि वो सरपंच बिल्कुल नए सरपंच हैं और कम उम्र के सरपंच हैं। उनके अंदर, अपने गांव के अंदर कुछ ना कुछ करने का एक जज्बा है, पहली बार बने हैं, तो वो बेटर काम करेंगे या जो अधिकारी हैं जो कि जिनको आदत पड़ गई है कमीशन खाने की, पैसे खाने की, वो बेटर करेंगे? मैं सोचता हूँ कि सरपंच इज मोर बेटर। उसको अपने गांव की शर्म भी रहेगी, उसके गांव का काम है, अपने गांव की शर्म करेगा, वो अपने गांव के अंदर जितना पैसा आएगा उससे भी ज्यादा लगाने की कोशिश करेगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।